Perfect. यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर एक विंडमिल बनाया है और ये पूरा का पूरा होममेड है। इसको हम घर के अंदर लगा सकते हैं और घर के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं। यहाँ पर हम 100 से 200 वाट तक का इलेक्ट्रिसिटी घर पे ही जनरेट कर सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को चालू करते हैं और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसके अंदर हमने पूरा टोटल बताया कि किस टाइप से आप विंडमिल बना सकते हो घर पे ही। हमें सबसे पहले एक होवरबोर्ड की मोटर लेना होगा, तो मेरे पास ये एक मोटर है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इस मोटर को ओपन करना होगा, मतलब यहाँ पर जो स्क्रू दिए गए इस स्क्रू को निकालेंगे और यहाँ पर जो ऊपर की प्लेट है इसको बाहर की साइड में निकालना होगा। लोहे की शीट लेनी होगी, ये मैं कबाड़े के अंदर से लेके आया हूँ ताकि सस्ती पड़ जाए। अगर आप नई लोगे तो महंगी पड़ेगी बहुत ज्यादा। ये काफी बड़ी साइज की, लेकिन मुझे एक यहाँ पर छोटा सा टुकड़ा निकालना होगा। यहाँ पर देख सकते हो ये हमारी डिक्स है इसके अंदर, और इसे थोड़ी एक इंच हमें बड़ी डिक्स इसके अंदर से निकालनी है। तो फटाफट से कटिंग करके मार्किंग लगाकर इसको निकाल लेते हैं। हमारी डिक्स यहाँ पर कट के तैयार हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हो हमने होल भी कर लिए हैं। यहाँ पर हमारे जो स्क्रू लग जाएंगे, ये हमारी डिक्स है इस टाइप की, यहाँ पर इस टाइप से लग जाएंगे और यहाँ पर मैं इसके अंदर स्क्रू कर दूंगा। लेकिन स्क्रू कसने से पहले हमें एक काम और करना होगा। मैंने यहाँ पर इस टाइप की पत्तियां कट कर ली है और ये जो हमें इस टाइप से यूं वेल्डिंग करनी होगी इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको इस टाइप से रख देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, हमारी वेल्डिंग हो चुकी है। यहाँ पर देखते हो हमने जो है 3-3 होल सभी के अंदर कर दिए हैं, ब्लैक कलर कर दिया ताकि यहाँ पर जंग वंग ना लगे। बारिश के अंदर रहेगा तो जंग नहीं लगेगी इसके अंदर। अब यहाँ पर हमारी जो मोटर है इसके साथ में इसको अटैच करके फटाफट से कस देते हैं। मोटर हमारी लग चुकी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पर प्रोपेलर बनाने होंगे ताकि हवा चले और ये घूम सके। इसके लिए यहाँ पर मैं एक केसिंग का पाइप यूज करूंगा। ये 200 mm का पाइप है, आपको नल फिटिंग शॉप पर इजीली मिल जाएगा। इसकी लंबाई 3 फीट ले रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ से हमारा जो ब्लेड है वो फटाफट से कट कर लेते हैं। अब हमारे सारे ब्लेड यहाँ पर लग चुके हैं और यहाँ पर जो है पवन चक्की का रूप लेना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें एक साइकिल का इस टाइप का रिंग लेना होगा और बीच में जो हब लगा हुआ है इसको निकालना होगा। अब यहाँ पर एक लोहे का पाइप लेंगे और ये जो हमने निकाला हब, इसको यहाँ पर इस टाइप से वेल्डिंग कर देंगे। Perfect.
यहाँ पर इसका वेल्डिंग हो चुका है अच्छी तरीके से, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना जो एक्सल है इसके अंदर ये जो है रोटेट होना चाहिए फ्रीली, क्योंकि ये हमारे काफी ज्यादा काम आने वाला है। अब हमारा होवर बोर्ड लेंगे यहाँ पर जो खराब हो चुका है, और इसी के अंदर से मैंने मोटर निकाली थी। अब यहाँ पर हमें यह करना होगा एक तरफ का जो पार्ट है इसको भी निकाल लेंगे इसके अंदर से। ये देखो हमारा पार्ट निकल चुका है, ये एल्यूमिनियम का होता है, काफी ज्यादा मजबूत है। एक तरफ यहाँ पर मोटर लग जाएगी वापस से जब खोली थी हमने वैसे ही, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो हमारी टेल लग जाएगी, और यहाँ पर बीच में होल करेंगे ताकि हमारा जो हमने पाइप बनाया जो एक्सल बनाया उसके यहाँ पर स्क्रू लगाकर इसको अच्छे से टाइट कर सके हम। तो फटाफट से काम चालू करते हैं। अब यहाँ पर हमें एक होल करना होगा, और होल इतना बड़ा होना चाहिए कि हमारे एक्सल के अंदर जो स्क्रू है वो इजीली इसके अंदर आ जाए। तो फ्रेंड यहाँ पर ये लग चुकी है, लेकिन एक दिक्कत ये है कि कहीं भी जा रही है, मतलब एक जगह पर स्टेबल नहीं है, हवा की डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। तो इसको चलाने के लिए हमें हवा की डायरेक्शन चाहिए, इसलिए पीछे की साइड में टेल लगानी होगी ताकि ये हवा की डायरेक्शन में रह सके। तो फटाफट से इसके टेल बनाते हैं। टेल बनाने के लिए मेरे पास पीवीसी शीट है जिसको मैंने इस टाइप से डिजाइन में कट कर लिया है, और पीछे की साइड में यहाँ पर इस टाइप का मैं एल्यूमिनियम का पत्ती लगाने वाला हूँ जो थोड़ा हल्का होता है, अच्छे से काम करेगा हमारा। अब इस टेल को हमें क्या करना होगा, पीछे की साइड में इस टाइप से लगाना होगा। तो फटाफट से यहाँ पर इसको इस टाइप से लगा देते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैं क्लिप का यूज करने वाला हूँ। ये आप सभी को पता होगा कि मोटर जो होती है हमारी पानी की उसके पाइप के ऊपर लगाया जाता है, इसका हम यूज करेंगे इसको लगाने के लिए। तो भाई अब यहाँ पर छत पे आ चुके हैं ताकि हम यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर सके, लेकिन उससे पहले इसकी वायरिंग करनी होगी। भाई हमारी मोटर जो है इसके अंदर से तीन वायर निकल रहे हैं, थ्री फेज हमारा एसी करंट निकलेगा। तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ब्रिज रेक्टिफायर से कनेक्ट करेंगे जो कि थ्री फेज ब्रिज रेक्टिफायर है। यहाँ पर हमने कैपेसिटर लगा रखा है, और इसके अंदर हम यहाँ पर इसका कनेक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो फटाफट से मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूँ। थ्री फेज ब्रिज रेक्टिफायर को बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा किस टाइप से इसको बनाते हैं। अगर नहीं बनाना आता फिर भी तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा रखा है मैंने 50 वोल्ट का, और यहाँ पर देखते हमारे डीसी करंट हमें आउटपुट मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर इस पर टैपिंग कर लेते हैं, और फटाफट इसको खड़ा करके स्क्रू के द्वारा दीवार पर कस देते हैं। हमारा विंडमिल यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये अच्छी तरीके से काम भी कर रहा है। यहाँ पर टेल जो हमने लगाई है थोड़ी लंबी इसलिए रखी है ताकि ये जो हवा की डायरेक्शन में ऑटोमेटिक टर्न कर सके। अभी मैं इसको थोड़ा डायरेक्शन को मोड़ देता हूँ और यहाँ पर लेके इसको छोड़ता हूँ। देखो ये ऑटोमेटिक जो है हवा के डायरेक्शन को पकड़ लेगा। देखो हवा उधर से इधर की साइड में आ रहा है, तो ये देखो ऑटोमेटिक इधर की साइड में आ चुका है। देखो कितनी स्पीड से घूम रहा है भाई साहब, देखो यार भाई साहब यार काफी स्पीड है इसकी। मैं इसको इधर की साइड में लेकर छोड़ूंगा अभी। देखो ये ऑटोमेटिक ही हवा की डायरेक्शन में चला जाएगा, ये काफी अच्छे से काम कर रहा है। धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही हवा की डायरेक्शन को पकड़ लेता है। अभी यहाँ पर हमने जो वायर लगा रखा है ये रहा है, इसके अंदर से हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे और कुछ चीज चला कर देखने वाले। तो सबसे पहले इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मल्टीमीटर को चेक करके दिखा देता हूँ आपको, और यहाँ पर देखो वोल्टेज जो है हमारा 16 वोल्ट दिखा रहा है, 16.41 वोल्ट दिखा रहा है। यहाँ पर आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पर हवा कम ज्यादा चल रही होगी, तो यहाँ पर वोल्टेज सेम क्यों दिखा रहा है, इसका कारण ये कि हमने कैपेसिटर लगा रखा है जिसके कारण यहाँ पर जो है हमारा वोल्टेज सेम हो रहा है अभी दिख रहा है। जैसे हम यहाँ पर लोड देंगे ना तो कम ज्यादा वोल्टेज होने लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास एक
साहब डीसी मोटर है जिसको मैं आपको चलाकर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं इसके वायर को कनेक्ट कर देता हूँ पहले एक, और फिर दूसरा वायर को हम यहाँ पर लगाएंगे। देखो देखो भाई, यहाँ पर देखो हमारा जो विंड मिल है काफी स्पीड में घूम रहा है, तो मोटर भी काफी स्पीड में घूम रही है। देखो भाई साहब यार कितना ज्यादा यहाँ पर स्पीड आ रहा है। अबे ऑटोमेटिक ये डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक डायरेक्शन भी सेट कर रहा है जैसे हवा जहाँ पे चल रही है। अभी देखो वापस से कम हो गया है यहाँ पर। शाफ्ट में मैंने एक टेप लगा दी ताकि आपको दिख जाए, और यहाँ पर मैं इसको चालू करता हूँ। देखो देखो जैसे हवा चलती है ना तेज, तो यहाँ पर मोटर स्पीड चल रही है इसका। देखो स्पीड देखो, और यहाँ पर देखो अभी जो है स्पीड कम होगी वापस से, और वापस से बढ़ेगी अभी जैसे हवा तेज चलेगी। देखो 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 देखो, वाह यार वाह वाह। देखो अभी देखो वापस कम हो गए, जैसे हवा तेज चलती है तो यहाँ पर मोटर हमारी तेज चलने लगती है। तो भाई साहब आप देख सकते हो हमारा पवन चक्की काफी अच्छे से यहाँ पर काम कर रहा है, और ये सब सिस्टम जो है हमने यहाँ पर लगाया है, और काफी ज्यादा मेहनत भी लगी है। तो वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। बहुत सारे कमेंट आएगी कि यहाँ पर जो हमारा लगभग 12 वोल्ट 13 वोल्ट 14 वोल्ट के आसपास आ रहा है, तो इस वोल्टेज हम करेंगे क्योंकि इससे तो कुछ चला नहीं सकते। यहाँ पर आप जो है कन्वर्टर लगा सकते हो, सोलर कन्वर्टर होता है ना उसी टाइप का आप कन्वर्टर लगा सकते हो, बैटरी को चार्ज कर सकते हो और घर के अंदर कोई भी चीज चला सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ज्यादा वाट का नहीं है यहाँ पर, आप जो है इससे लगभग मान लीजिए 100-200 वाट के आसपास इससे कुछ भी चला सकते हो भाइयों। तो कैसा लगा ये वाला प्रोजेक्ट, इसमें काफी ज्यादा मेहनत भी लगी है, काफी ज्यादा दिमाग भी लगाना पड़ा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीबॉडी।